पे इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जाए, मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी, तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में को तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाईकोर्ट गई, कोर्ट गई कि मेरे दो बच्चों को पुलिस पकड़ लेंगे, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।